मंदिर के पुजारी बनकर आए और विदा हो गए। लोग आए गए, यह सिलसिला समय के साथ जारी है, आगे भी जारी रहेगा, लेकिन इस सदन की मर्यादा और गरिमा को अक्षुण रखने में जिन्होंने अपनी महती भूमिका निभाई, हम उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि भी अर्पित करते हैं, हम नमन करते हैं और उनकी प्रेरणा भी प्राप्त करते हैं। इतिहास ने उन्हें बड़े आदर्श स्थान भी दिया है। हमें यह बात याद रखनी होगी कि यह सदन हमसे जरूर है, लेकिन यह सदन हम सबसे सर्वोपरि है और आसन तो पंच परमेश्वर जैसा है। आप सबों ने आसन पर अविश्वास जताकर क्या संदेश देना चाहा? यह जनता तय करेगी। हमें इसकी गरिमा को बढ़ाना है और यही काम हमने अपने छोटे से कार्यकाल में किया है। अंत में मैं कहना चाहूंगा कि अपने 20 माह के संक्षिप्त कार्यकाल में हम संपूर्ण सदन का चालक बनकर इसे ऊंचाई पर ले जाने का प्रयास किया। कभी चालाक बनकर सदन के अंदर लोगों को वरगलाने का काम नहीं किया। अपनी जिम्मेवारियों को स्थापित नियमों और परंपराओं के तहत निष्पक्ष होकर बिना राग द्वेष लोभ लालच भय मोह के हमने अपने कर्तव्य का निर्वहन किया है। यही आग्रह आप सबों से है कि लोकतंत्र में जनता के द्वारा दिए गए अधिकार का आप भी सही दिशा में उपयोग कर उनका विश्वास जीतें तथा लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करें। आपसे हमारा निवेदन और आग्रह होगा कि आपने जिस तरह से बहुत कम अंतर रहते हुए सदन में एक सकारात्मक वातावरण बनाया, सहयोग किया, आने वाले समय में हमारी शुभकामना भी रहेगी, जो भी इस आसन पर बैठेंगे विपक्ष की आवाज जिस तरह से हम लोगों ने संरक्षित करने का काम किया, और विपक्ष ही नहीं सत्ता पक्ष का सभी विधायकों के मान सम्मान बढ़ाने के लिए प्रखंड स्तर पर उनके कार्यालय का उनके अपने फंड से भी व्यवस्था बनाने का विधायिका को एक बार पुनः आग्रह करेंगे। इस आसन से अध्यक्ष के नाते की विधायिका की सम्मान बढ़े। जब जब विधायिका मजबूत हुई है प्रशासनिक अराजकता हटी है और विधायक जनता के हित में अपने जान से बढ़कर काम किया है। सभी दलों के नेता से विमर्श भी हमने कई बार किया, सकारात्मक निष्कर्ष पर पहुंचा। विशेषाधिकार कमेटी के माध्यम से अराजकता उत्पन्न करने वाले पदाधिकारियों पर मुख्यमंत्री जी के द्वारा ही अंकुश लगी है, जो कमी रह गया है उस पर लगनी चाहिए। और मैं अब माननीय अध्यासी सदस्य जिनको सभी सदस्य श्रद्धा से और निर्विकार रूप से निर्विवादित माननीय नरेंद्र नारायण यादव जी आसन को संभालेंगे और जो सरकार के विषय तय हैं उस विषय का संचालन करेंगे। स्वस्थ बहस भी होगी। बिहार का संदेश, क्योंकि बिहार लोकतंत्र की जननी है, इसका संदेश जो खूबसूरती हम सबों ने मिलकर प्रकट की है, ये पूरे देश और दुनिया देख रहा है। मैं 2 घंटे का बहस जो परंपरा है नियम है रहेगा, सदन की कार्यवाही स्थगित करने के पूर्व अपने पद से बहुमत
का सम्मान करते हुए इस्तीफा देता हूं और 2 बजे दिन में सदन पुनः प्रारंभ होगा। अब सदन स्थगित की जाती है।